मध्य प्रदेश के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषित किए हैं। इस वर्ष परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष अच्छे आए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उम्र से अधिक अंक प्राप्त होने पर छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। छात्रों ने बताया कि अच्छे रिजल्ट और अच्छे अंक प्राप्त होने में हमारे गुरु शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उत्कृष्ट विद्यालय के प्रिंसिपल ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे वर्ष भर अच्छी मेहनत कर बच्चों के भविष्य संवारने का कार्य किया। बच्चों ने भी मन लगाकर पढ़ाई कर अच्छे मार्क्स हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल ने मंसूर के आसपास के विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि क्रमांक 2 उत्कृष्ट विद्यालय में आकर कम खर्च में अच्छी पढ़ाई कर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। अच्छा लग रहा आप पास में? पास तो मैं सर अच्छा लग रहा थोड़ा। कौन सा स्कूल से आप पढ़ रहे कर रहे थे? एक्सीलेंस स्कूल से। कैसा लग रहा आप? अच्छा लग रहा, 93% बने, मन को संतुष्ट, मतलब मन थोड़ा मतलब कम ही बने बट ठीक है। अब कुछ कर तो सकते नहीं। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो उम्मीद से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जितने की उम्मीद नहीं की उससे तो अच्छा है ना। 61% बने मैथ्स तो संकाय से हूँ। कौन सी क्लास में थे आप? 12th। दो स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने वर्ष भर अच्छी मेहनत की है और बच्चों के साथ न्याय किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और छात्रों भी, जिन्होंने अच्छी सी रुचि लगाकर इस विद्यालय में अध्ययन किया है। भविष्य में भी मैं बच्चों से और इस विद्यालय के इस मंदसौर के आसपास के गांव के छात्रों को मैं प्रेरित करता हूं कि वे क्रमांक 2 में आकर जो है कम पैसे में शासकीय विद्यालय में आकर अध्ययन करें, क्योंकि अभी ये प्रतिस्पर्धा का युग है और प्राइवेट स्कूल जो है ज़्यादा पैसे लेकर बच्चों को अध्ययन कराते हैं, जबकि यहाँ पे योग्य शिक्षक होते हुए भी बच्चे जो है किसी प्राइवेट के आकर्षण में, बिल्डिंग के आकर्षण में जाते हैं, उससे उसमें वह न जाए और कम पैसे में अपना अच्छा अध्ययन करके अच्छे स्कोप को, अच्छे क्षेत्र को वह प्राप्त कर सकते हैं। यही मैं मंदसौर के नागरिकों से और आसपास के गाँव वाले को मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि वे इस विद्यालय में आए। उनका अच्छा सा अच्छा दोनों, ये एक तो यहीं के खानपुरे का है और एक की जानकारी मुझे अभी नहीं है, है इस विद्यालय की। और ज़्यादातर गांव के और स्लम एरिया के लोग जो है, गरीब छात्र जो है, वो इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, अध्ययन करने के लिए आते हैं। और हम ये मान के चले कि एक कोयले से हम हीरा बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी तो अन्य विद्यालय वो माँ बाप का इंटरव्यू लेकर, बच्चों का इंटरव्यू लेकर या प्रतिशत आधार पर अपना एडमिशन दे लेकर अपना जो है वो कार्य करते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। सरकारी नियम के अनुसार यदि लड़का एक वर्ष का फेल भी है तो हमारे यहाँ आकर भर्ती हो सकता है और हम उसको निखारने का और तराशने का कार्य करते हैं। सर की कृपा थी जो हम पास हो चुके हैं, सर का आशीर्वाद बना रहा हमारे ऊपर जो हम पास हो गए, भगवान की भी कृपा थी। हम कौन सा स्कूल है ये? अपना क्रमांक 2 स्कूल है। क्या कहेंगे आप सर? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बस हमारी मेहरबानी थी सर की, तो हम पास हो गए हैं सर के आशीर्वाद से। माता पिता की मेहनत, हाँ, उनकी उनके आशीर्वाद से हम उन्हें रोज सुबह आशीर्वाद लेके आते थे और पास हो गए। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।